स्टूडेंट्स जब भी आप फुटिंग देते हो, फुटिंग के ऊपर जब आप पेडेस्टल कॉलम देना आपको होता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जब भी आप पेडेस्टल कॉलम देंगे तो आपको पेडेस्टल कॉलम जो आपका होगा और आपकी जो फुटिंग मैस होगी उसमें आपको इस तरीके से डक लेग प्रोवाइड करना होता है। डक लेग होता है आपका लगभग 300 mm तक आपका जाता है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेडेस्टल कॉलम का जो रिइंफोर्समेंट है, जो फुटिंग का रिइंफोर्समेंट है, ये आपका अच्छे से बाइंड अप हो पाए, वहाँ पर स्टेबिलिटी दे पाए, इसलिए हमको डक लेग हमेशा प्रोवाइड करना होता है। डक लेग हमने प्रोवाइड किए है, जब भी आप इसको प्रोवाइड करते हैं इसके बाद में फिर आपको फॉर्म वर्क वहां पे फुटिंग में आपका डालना पड़ता है। फॉर्म वर्क आपने प्रॉपरली यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और फॉर्म वर्क आपने लगाया, इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप अपना कॉन्क्रीट को आप पोर कर देंगे और कास्टिंग कर देंगे। कास्टिंग करने के बाद इस तरीके का आपका पूरा जो आपका कॉलम है वो फुटिंग है तैयार हो जाएगा बनके। लेकिन इसके लिए आपको डक लेग देना बहुत जरूरी, जो हमने डक लेग आपको पहले बताया है, जब भी आप फुटिंग देंगे तो फुटिंग में आपको यहाँ पे डक लेग देना पड़ेगा।